अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी शानदार रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये जो सरप्राइज़ है मेरे घर में, मेरा एक छोटा सा बेबी है, उसकी आज बर्थडे है, तो उसको बर्गर बहुत पसंद है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, एक ह्यूज किस्म का मैं बर्गर बनाऊँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए? जग ले लिया। अब इसमें मैं डालूँगी, ये गर्म पानी है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये है 125 ग्राम पानी है और 125 ग्राम दूध है, 50 ग्राम शुगर डाली है, ये ईस्ट है, ये 1 टेबल स्पून लिया मैंने, बिस्मिल्लाह इसमें जाएगा। तो ये दूध और जो पानी था ये दोनों लाइट लाइट वार्म थे, तो ये मैं अब इसमें इसको थोड़ी देर के रखूँगी। ये मैंने 500 ग्राम मैदा लिया। ये देखिए मैदे में मैंने 1 टीस्पून जो है वो नमक डाला है। ये मैंने 30 ग्राम ऑयल लिया और 1 अंडा लिया। ये जब मैं मशीन में डालूंगी तब इसमें मैंने आटा जो है ना वो मशीन से निकाल लिया और अच्छे से इसको कर लिया। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसको राइज होने के लिए रखूँगी 40 मिनट के लिए। व्यूअर्स, आटा हमारा जब माशाल्लाह से राइज हो गया, ये देखें, तो ये मैं ऑयल से थोड़े को हाथ को गीला करके तो इसको इकट्ठा कर रही हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये मैंने ले लिया अपना पैन जिसके ऊपर मैं बर्गर बनाने लगी हूँ। आराम आराम से इसको मैं फैला के तो ये पान बनाऊंगी। ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया, थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, 5-10 मिनट के बाद इसको फिर फैलाऊंगी, ये फिर अच्छे से फैल जाएगा। अब इसको मैं दोबारा देखें, थोड़ी देर रेस्ट दिया, अब इसको फिर फैलाने लगेंगे। हुआ था तो अब मैं इस पर अंडे की ये जर्दियाँ वो लगाऊंगी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अच्छे से थोड़े से मैं सेसमी सीड्स हैं ये डालूंगी ताकि इसकी एक अच्छी सी प्यारी सी लुक आए। अब मैं इसको रखूंगी जाके ओवन में। हाँ, ये मैंने 1 kg कीमा लिया, तो अब मैं जो जो इसमें मिक्स करूँगी आप देख लें। अब इसमें ये मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें थी क्रश करके वो डालूंगी। ये प्याज मैंने चॉप करके रखे हुए थे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये टमाटर है, 3 छोटे छोटे चंक्स बना लिए हैं इसके। सब्ज़ धनिया है इसमें जाएगा। अब इसमें जाएगी सीजनिंग के लिए, ये देखिए ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, और ये 2 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया लिया है, और ये मैं लहसुन चॉप करके छोटा छोटा लिया है। ये मैंने ब्रेड क्रम्स हैं घर में बनाए हुए हैं, ये लूँगी, ये 1 प्याली भर के, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है चाट मसाला, नमक है 1.5 टेबल स्पून, और अब इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लोर 4 टेबल स्पून मैं इसमें भर के कॉर्नफ्लोर डाला है। बस मेरी ये चीज़ें कम्प्लीट हो गया, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इस कंडीशन में आप लोगों ने इसका नमक मिर्चें चख लेनी है, अगर कुछ चीज़ कम ज़्यादा है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल लें। चलिए बस ये मैं इसको अब रख रहे ना लियो। हाँ, ये भी बस कीमे को हमने 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रखा हुआ था, तो अब मैं इसका कबाब बनाऊंगी। ये मैंने उतनी बड़ी एक ट्रे ले लिया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसको अच्छे से ग्रीस कर रही। अब मैं इसको सेट कर रही हूँ इस पर। देखें माशाल्लाह से कबाब मेरा एक बिल्कुल एक जैसा सारी साइडों पे हो गया है। तो इसके नीचे मैंने अच्छा साइल लगाया था ताकि जब ये पके तो आराम से निकल जाए, और साइडों को एंड तक इस तरह इसलिए लगाया ताकि जब ये स्लिंग हो तो ये छोटा ना हो।
ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को ये चीज़ें देखें जो मैंने बनाई हैं, बहुत प्यारा बन बना है और मेरा भी मेरा बहुत अच्छा शानदार सा रेडी हो गया। अब मैं इसको सर्व करने के लिए असेंबल करने लगी हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि अपने बन को काटूँगी। बिस्मिल्लाह, अब मैं इस पर लगाऊंगी केचप और मेयोनीज। ये हमारा हो गया, अब मैं इस पर सब्जियां लगाऊंगी, वो आप अपने तरीके से लगाएं जैसे आपको अच्छी लगती हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हो गया, अब इसको थोड़ा सा साइड पे करती हूँ। अब ये जो दूसरी साइड मैंने काट के रखी हुई थी बांध की, अब मैं उस पर सारा कुछ लगाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान, मेयोनीज और केचप। तो अभी बस ये देखें, मैं हेलोपिनो भूल गई थी, तो अब दोबारा से मैं निकाले हैं, तो ये बड़े अच्छे लगते हैं, खट्टे खट्टे बड़े मज़े के होते हैं, इसके बगैर तो बर्गर अच्छा भी नहीं लगता। नहीं, लेकिन अगर जिनके पास नहीं है वो बेशक ना लगाएं। अब मैं जो इसको लगाया ये ऊपर रखूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो व्यूअर्स ये देखें, मेरी रेसिपी को आपने कंप्लीट फॉलो करना है, बिल्कुल भी आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि आपकी कोई भी चीज़ इसमें से मिस ना हो। और आपको देखेंगे माशाल्लाह बहुत शानदार और अच्छे किस्म का ये बना है, तो आपने मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना है। जो मेरे पहले देखने वाले प्यारे मेरे व्यूवर्स हैं, उनकी मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि वो मेरी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी देते हैं और मुझे लाइक करते हैं। और जो आने वाले नए मेरे फ्रेंड्स होंगे, वो भी, उनके लिए भी मैं कह रही हूँ कि आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत शुक्रिया, ये रेसिपी आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।